हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ आलू पत्ता गोभी की रेसिपी। तो मैं आलू पत्ता गोभी किस तरीके से बनाती हूँ तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पत्ता गोभी ले लिया है और उसको मैं बिल्कुल बारीक बारीक इस तरीके से काट लूँगी। देखिए, पत्ता गोभी को बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, वो मैं अभी आपको दिखा दूँगी। और उसके बाद उसे 5 से 6 बार धो लेना है। तो ये देखिए, पत्ता गोभी कट गई है और इसे अब मैं अच्छे से धो लूँगी। और धोने के बाद इसे छन्नी में एक साइड रख देंगे। तो अब हम अपने आलू काट लेंगे। देखिए, मैंने 4 से 5 आलू ले लिए हैं और उन्हें इस तरीके से चौकोर पीस में मैं काट लूँगी। देखिए, मैं यहाँ लहसुन प्याज का यूज नहीं कर रही हूँ, सब्जी बनाने में सिर्फ खड़े मसालों का ही यूज करूँगी और इससे ये सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी और एकदम खिली खिली बनेगी। अब ये देखिए, मैंने खड़े मसाले ले लिए। मैंने तेज पत्ता ले लिया है, अदरक ले लिया है, ये ले लिए मैंने हरी मिर्च, और ये मैंने काली मिर्च ले ली है, और ये ले लिए पीपल। तो अभी हमारे खड़े मसाले तैयार हैं। तो अब हम सबसे पहले लोहे की कढ़ाई ले ली है और इसमें चढ़ा लिया है सरसों का तेल। देखिए, मैं सूखी सब्जियां जितनी भी बनाती हूँ ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई का ही यूज करती हूँ। अब तेल पक गया है तो इसमें मैंने डाल दिया जीरा। जीरा छिड़कने के बाद डाल दूँ इसमें खड़े मसाले, और उसके बाद डाल दिए मैंने उसमें आलू। अब आलू को अच्छे से चलाते हुए इस तरीके से हम भून लेंगे। तो अभी इसी तरीके से बराबर चलाते हुए आलू को पका लेंगे पहले हम। देखिए, आलू को पकने में बहुत टाइम लगता है और पत्ता गोभी हमारी एक भाप में ही पक जाती है। तो अगर हम आलू को कच्चा ही डाल देते हैं, उसके साथ पत्ता गोभी डाल देते हैं, तो हमारी सब्ज़ी चिपचिपी हो जाती है और पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा हमारी पक जाती है, जिससे कि सब्ज़ी का खाने में इतना टेस्ट नहीं आता है। तो और पत्ता गोभी तो वैसे भी थोड़ी सी क्रिस्पी ही अच्छी लगती है, तो इसलिए पत्ता गोभी को डालकर हम बस 2-4 मिनट के लिए भाप लगाएंगे। और इस तरीके से सब्जी बनाने से हमारी सब्ज़ी फटाफट बन के तैयार हो जाती है और खिली खिली भी बनती है। अब ये देखिए, मैंने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, और ये डाल दी मैंने हल्दी, ये डाल दिया मैंने धनिया पाउडर। देखिए, सूखी सब्जी में धनिया पाउडर ज़्यादा डालने से टेस्ट बहुत अच्छा था। ये डाल दी मैंने हींग। अब डाल दूँगी मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अगर आप लाल मिर्च खाते हैं तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं तीखेपन के लिए। मैं लाल मिर्च का यूज खाने में नहीं करती हूँ, तो इसीलिए कभी कभार सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च ही डालती हूँ कलर के लिए। अब ये डाल दी है मैंने पत्ता गोभी, और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। देखिए, जब आप इस तरीके से सब्जी बनाएंगे तो सब्जी फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी और खाने में भी लाजवाब लगेगी। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये तरीका सब्जी बनाने का। तो सूखी सब्जियाँ कोई भी हो, बिना लहसुन प्याज के बहुत टेस्टी लगती हैं जब आप इस तरीके से उन्हें बनाते हैं। अब ये देखिए, अभी अच्छे से मिक्स हो गई है, तो इसे हम कुछ टाइम के लिए ढककर पका देंगे। अब हम इस पर एक बर्तन ढक देंगे और लगभग 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे, और उसके बाद हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखा दूँगी कि सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई होगी, क्योंकि पत्ता गोभी को सिर्फ एक भाप की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो तैयार हो जाती है। तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारी सब्ज़ी। अभी ये देखिए, ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई थी। इसमें डाल दिया मैंने ऊपर से हल्की सी खट्टाई के लिए आंवला पाउडर, और हल्का सा डाल दिया है गरम मसाला। देखिए, पत्ता गोभी थोड़ी सी बादी करती है, तो इसीलिए इसमें गरम मसाला थोड़ा सा ज़रूर डालिए, और इसीलिए मैंने इसमें अदरक भी डाला और इसे मेथी से छौंका है, मेथी और जीरा दोनों चीज़ों से। तो इस तरीके से जब आप पत्ता गोभी बनाएंगे तो वो नुकसान भी नहीं देगी और खाने में टेस्टी लगेगी। जब आप उसमें अदरक, खड़े मसाले और गरम मसाला लास्ट में थोड़ा सा डाल देंगे तो वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगी, बहुत अच्छी बनेगी और खाने में भी टेस्टी लगेगी। अब देखिए, इससे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और लोहे की कढ़ाई से खाना कुछ भी आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो बनाने के बाद तुरंत निकाल लीजिए एक अलग बर्तन में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में अगर आप छोड़ देंगे तो उसका रंग बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा। अभी देखिए, लोहे की कढ़ाई में वैसे भी कलर थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। मिलेंगे ऐसी ही यूजफुल नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ।